बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक एक्टिविटी। एक्टिविटी का नाम है थ्रेड पुलिंग। थ्रेड पुलिंग वो हमें कैसे करना है ये हम सीखेंगे हमारे ये वीडियो में। ये एक्टिविटी हम हमारे स्केच बुक में करेंगे। तो हमें चाहिए हमारी स्केच बुक। थ्रेड को कलर करने के लिए चाहिए हमें पोस्टर कलर्स। हमें चाहिए एक थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा, जिससे हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और पुल मतलब उसे खींचना। थ्रेड पुलिंग मतलब ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है, उसे हमें खींचना है और हमें एक एक्टिविटी करनी है। तो एवरीबॉडी रेडी विद अवर स्केच बुक। तो सब बच्चों ने निकाली हमारी स्केच बुक। सबसे पहले हम यहाँ पर आज की डेट एंड CW लिखेंगे और यहाँ पर हम हेडिंग डालने वाले हैं। यह एक्टिविटी को हम थ्रेड पुलिंग भी कह सकते हैं और थ्रेड पेंटिंग भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे TREAD थ्रेड पेंटिंग। TREAD थ्रेड पेंटिंग। सो रेडी। ओके चिल्ड्रन, आज हम करने वाले हैं थ्रेड पेंटिंग। थ्रेड पेंटिंग मतलब जो मम्मी कपड़े सिलती है वो जो थ्रेड होता है उससे हम आज पेंटिंग करने वाले हैं। तो ये जो थ्रेड है ये हम थोड़ा सा मोटा लेंगे या पक्का लेंगे ताकि जब हम थ्रेड पेंटिंग करें तो ये थ्रेड बीच में टूटना नहीं चाहिए। इसलिए कोई अच्छा पक्का थ्रेड आप ले सकते हैं और कोई भी कलर का ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो ये देखिए, आपकी स्केचबुक जितनी बड़ी है उतना लंबा आप थ्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा लेंगे तो थ्रेड पेंटिंग नहीं हो पाएगी। तो इतना लंबा आप थ्रेड ले सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा तो भी चलेगा। ओके, तो हमने यहाँ से इस थ्रेड को ले लिया है। हम ऐसे 2 थ्रेड ले लेंगे, 1 कलर के लिए और 2nd कलर के लिए। बिकॉज़ 1 कलर करने के बाद जब हम दूसरा कलर करते हैं तो वो आपस में 2 कलर्स मिक्स हो जाते हैं, तो वैसा हम नहीं करेंगे। ये हमने 2 थ्रेड्स ले लिए हैं। अब हम ये पेज पर हम थ्रेड पेंटिंग करने वाले हैं। अब हमने ये कलर लिया है, सबसे पहले रेड कलर। ये रेड कलर है, ये हमने यहाँ पे ले लिया है रेड कलर। और थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा कलर होना चाहिए ताकि थ्रेड के ऊपर वो लग जाए, उसको कवर कर ले थ्रेड को। ठीक है, ये हमने रेड कलर लिया है और साथ में हम ले लेते हैं ये ग्रीन कलर। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रीन कलर लिया है। अब हम ये थ्रेड लेंगे और उसको ये रेड कलर में पूरा रेड कलर इस पर लगा देंगे। आप फिंगर से भी लगा सकते हैं और ब्रश से भी लगा सकते हैं। पूरा इसको रेड कलर में हम डिप कर देंगे। ये देखिए, हम पूरा कर थ्रेड को रेड कलर में डिप कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे थ्रेड पे रेड कलर लग गया है। आपको थ्रेड नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो पूरा रेड कलर में डिप हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसको धीरे से ब्रश से ही पकड़ते हुए सीधा करते जाएंगे। बिकॉज़ अगर नॉट्स पड़ जाएगी तो हमारी थ्रेड पेंटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। ये देखिए, ये हमारा थ्रेड में पूरा रेड कलर लग गया है। ये देखिए, अब हम इस थ्रेड को आराम से पकड़ेंगे और ऐसे फिंगर से इसको सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपनी बुक में, ये देखिए, इस बुक में हम कैसे भी रख सकते हैं। ओके, ये ऐसे ऐसे डिज़ाइन करते हुए
ऐसे रखते जाएंगे और एक पार्ट को हम ऐसे बाहर छोड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से हमको पकड़ के पुल करना है थ्रेड को, इसलिए रखने के बाद हम उसको थोड़ा सा बाहर छोड़ेंगे पकड़ने के लिए। अब हम इस थ्रेड पर एक पेपर रखेंगे, ओके, कोई भी पेपर रख सकते हैं आप, और उसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे या कोई भी बुक रखेंगे, ऐसे बुक रखेंगे, और फिर उस थ्रेड को नीचे से धीरे धीरे थ्रेड को खींचेंगे। ये देखिए माम कैसे खींच रही है, थ्रेड को ऐसे खींचेंगे धीरे 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 धीरे। ये हमारा पूरा थ्रेड बाहर आ गया है, ये देखिए, ठीक। ओके चिल्ड्रन, अब हम ये बुक हटाएंगे और ये जो पेपर है इसको भी हटाएंगे। ये देखिए, ये हमारा थ्रेड पेंटिंग हो गया है। अब हम ये दूसरा थ्रेड लेते हैं और इसको अब हम ग्रीन कलर में डिप करते हैं। देखिए, ये हमारा ग्रीन कलर है, इसमें हमने पूरा इसको थ्रेड को ग्रीन कलर में डिप कर दिया है। ये देखिए, ये पूरा डिप हो गया है। अब हम इसको थ्रेड को अलग करते हैं। ये हमारा थ्रेड, अब हम इस थ्रेड को यहाँ पर, ये कैसे भी आप रख सकते हैं, ज़िगज़ैग और एज यू लाइक, मतलब आप कुछ भी थ्रेड को कैसे भी रखिए, उसका इम्प्रेशन तो आने ही वाला है। अब हम फिर से इसके ऊपर एक पेपर रखते हैं और उसके ऊपर एक बुक रख देते हैं और उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, और फिर उस थ्रेड को हम पुल करेंगे। देखिए, ये मैम पुल कर रही है, ये थ्रेड को हमने खींच लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये अब हम बुक हटा रहे हैं और ये पेपर भी हटाया हमने। ये देखिए, ये हमारी थ्रेड पेंटिंग हो गई है। अब हम एक थ्रेड लेंगे, उसके ऊपर येलो कलर करने वाले हैं। ये हमने फिर से एक थ्रेड लिया और उसको येलो कलर में हम डिप करेंगे। आप चाहें तो ये बॉटल के अंदर आपका थ्रेड भी डाल सकते हैं। ये देखिए माम डाल रही है, ये देखिए, ये हम बॉटल में भी कलर को, थ्रेड को डाल के और उसको कलर लगा सकते हैं। आपका जो भी बॉटल हो उसमें भी आप ऐसे ही थ्रेड को डाल दीजिए और उसमें भी खूब अच्छे से कलर लग जाएगा। ये देखिए, ये हमारा येलो कलर में थ्रेड डिप हो रहा है। ओके, फिर हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और उससे थ्रेड पेंटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारा पूरा थ्रेड येलो कलर में जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, येलो कलर, ये सब हमारे कलर इसमें हो गया है। ये देखिए, अब हम इस कलर को, इसको थ्रेड को बाहर निकाल रहे हैं। ये पूरा थ्रेड हमारा बाहर आ गया है। अब हम इसको दोनों के बीच में ऐसे करके कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उसको छोड़ देंगे और उसके ऊपर एक पेपर रखेंगे और कोई भी बुक रखेंगे और उसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हम उस थ्रेड को फिर से पुल करेंगे
ये देखिए ये हमारा थ्रेड पुल हो रहा है। ये हमारा पूरा थ्रेड हमने निकाल दिया है। अब हम इस बुक को हटाएंगे, फिर ये देखिए ये हमारा थ्रेड पेंटिंग हो गया है। अब हम आपको एक और थ्रेड पेंटिंग बताने वाले हैं। अब हमने कोई भी थ्रेड ले लेंगे, रेड वाला या कोई भी। अभी क्योंकि हम ब्राउन कलर करने वाले हैं तो ये हमने ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर का हमने लिया है कलर, और इसको हम ये कोई भी रेड या ग्रीन थ्रेड पे आप लगा सकते हैं। ये हमने रेड थ्रेड ले लिया है और उस पर हम लगा रहे हैं ब्राउन कलर। ये हमने ब्राउन कलर लगा दिया है पूरे थ्रेड पे। ये देखिए ये हमारा ब्राउन कलर लग गया है, ठीक है। अब हम इस थ्रेड को धीरे धीरे लंबा खींच लेंगे ताकि ये सीधा हो जाए और इस पर कोई नॉट नहीं लगे, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्रेड सीधा। अब हम इस थ्रेड को अपने पेपर पर, ये देखिए हमने ऊपर से स्टार्ट किया है और ऐसे हम कर्व्स देते हुए थ्रेड को कर रहे हैं। ये देखिए अब हमने इस पे रखा है ये पेपर, और उसके ऊपर हम कोई भी बुक रख देंगे और फिर उसको प्रेस कर देंगे अच्छे से, और फिर इस थ्रेड को हमने पुल कर लिया है। अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि कलर पूरा आपकी स्केच बुक में आ जाए। ये अब हम इसको पुल कर रहे हैं। ये थ्रेड हमारा आ गया है पूरा बाहर। अब हम देखते हैं कि कैसा हमारा इम्प्रेशन आया है। अब हम ये बुक हटाएंगे, फिर हम ये पेपर हटाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बन गया है। अब हम इस पर कुछ फ्लावर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम फ्लावर्स कैसे बनाएंगे। ये हमने एक ईयरबड लिया है, इसको हमने रेड कलर में डिप किया और इसके हमने, ये देखिए ये टॉप से शुरू करेंगे। ये हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने इसके ये फ्लावर बना दिया। अब हम ये ग्रीन कलर लेंगे और ग्रीन कलर लिया है, इससे हम सेंटर में ये हमने बड़ा सा एक डॉट बना दिया। ये हमारा फ्लावर बन गया। अब हम और एक लेंगे, उसका हम येलो कलर में डिप करेंगे। ये देखिए हमने येलो कलर में डिप किया है और उससे हम फ्लावर बना रहे हैं। ये देखिए, देखा आपने, ये हमारा फ्लावर बन रहा है। देखिए ये फ्लावर बन गया है। अब हम एक और येलो डिप करके यहाँ पर एक और जगह पे कहीं भी आप बना सकते हैं। ये हमने येलो कलर लिया है, ठीक है। और अब हम लेंगे येलो और रेड को थोड़ा मिक्स करके, ये देखिए हमने ऑरेंज कलर बना लिया है इसका, ठीक है। थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड आया है, ये देखिए। अब हम इसको फिर से ये यहाँ पे करने वाले हैं। ये बन गया हमारा फ्लावर, देखा आपने। अब हम एक रेड और बना लेते हैं। आपको जितना फ्लावर बनाना हो आप बना सकते हैं। ये यहाँ पे हम एक और रेड ले लेते हैं। ये जॉनसन बर्ड से आप आराम से फ्लावर्स बना सकते हैं, और ये सेंटर में आप इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, ब्राउन भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको ग्रीन कलर बीच में कर दिया है। तो ये हमारा एक प्लांट बनके रेडी हो गया है। मज़ा आया आपको बेटा ये देखकर।
ओके बाय चिल्ड्रन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।